Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. Har har Mahadev. So right now मैं आया हूँ त्रंबकेश्वर. त्रंबकेश्वर जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड है. अगर आपको नासिक रोड तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता रहेगा तो आप मुंबई उतरकर वहाँ से आप ट्रेन या बस से जा सकते हो. नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर मंदिर है. हम लोग ने गाड़ी से प्लान किया त्रंबकेश्वर जाने का. सो हम लोग के घर से मुंबई से 160 किलोमीटर है. हर हर महादेव. सो राइट नाउ मैं आया हूँ त्रंबकेश्वर. आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्लाइमेट यहाँ का क्या ऑसम बन चुका है. फुल क्लाउडी क्लाउडी और सामने वाटरफॉल है. यहाँ पे टोटल 3 माउंटेन्स है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी. ये तीनों माउंटेन्स के बीच में हमारे महादेव अस्तित्व है. तीनों माउंटेन्स के बीच में त्रंबकेश्वर का टेम्पल है. यहाँ पे आपको ऐसे लोकल टैक्सी देखने को मिलेंगे. नासिक रोड वो रेलवे स्टेशन से 150 पर हेड सीट लेते हैं लोग. यहाँ पे बस का भी फैसिलिटी है, जो कि बस का प्राइस है 65 रुपीज़ पर हेड. और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हो तो उसका कॉस्ट आई डोंट नो, वहाँ पे इंक्वायरी करना पड़ेगा. अगर आप शेयरिंग अगर आप शेयरिंग कैब से आना चाहते हो तो उसका प्राइस है 150 पर हेड. ये है मेन एंट्रेंस. हर हर महादेव. आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे. यहाँ पे लॉजेस और रूम्स का भी फैसिलिटीज है, होटल्स का. यहाँ का क्लाइमेट मस्त चिल्ड है. अभी हम लोग आए खाना खाने के लिए. जस्ट मैं वॉशरूम में गया था और पूरा पानी चिल्ड है. यहाँ पे वन डे का ट्रिप है, जो कि मॉर्निंग हम लोग निकले थे सुबह अराउंड 6:30 को और रात तक हम लोग घर. दिस वॉज अवर अनएक्सपेक्टेड प्लान. ऑन द स्पॉट प्लान बना एक दिन पहले ही त्रंबकेश्वर जाने का, महादेव के दर्शन लेने का. जस्ट मैंने महाकाल का टी शर्ट लिया है, हर शंभू. और यहाँ पे जस्ट बहुत सारा रश बढ़ गया है. 300-400 प्लस यहाँ पे भक्त आ चुके हैं, वो भी अचानक. मेरे सूत्रों से पहले पता चला था कि आज इतना भीड़ नहीं है, पर अचानक ये पब्लिक कहाँ से आ गई क्या पता. अभी बहुत भीड़, लाइन लग चुकी है भगवान के दर्शन लेने के लिए. आपको 200 रुपीज़ का दर्शन, पेड दर्शन भी मिलेगा, कम टाइम में हो सकता है. और नॉर्मल फ्री दर्शन देखने गए तो रश बहुत ही है, 4-5 आवर्स लगेगा. और 200 दर्शन के लिए 1 आवर के आसपास, हाफ एन आवर टू 1 आवर के आसपास हो सकता है दर्शन, ऐसा यहाँ के गुरु जी बोल रहे हैं. सो लेट्स सी, हम लोग अभी पेड दर्शन ले रहे 200 रुपीज़ का. त्रंबकेश्वर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है. त्रंबकेश्वर त्रंबक शहर में बना है. ये मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिन्हें भारत में पवित्र और वास्तविक माना जाता है. त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें स्थान पर आता है. लाइन की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी तरह की गई है. यहाँ पे श्रद्धालु को बैठने के लिए साइड में बेंचेस भी दिए गए हैं. हम लोग महादेव के दर्शन लेने के लिए श्रावण मास में गए थे. इस समय बहुत ही भक्त महादेव के दर्शन लेने के लिए आते हैं. यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है. गोदावरी नदी के किनारे बने त्रंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है. इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बाला साहेब अर्थात नाना साहेब पेशवा ने किया था. इस भव्य प्राचीन मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे. उस समय ये काफी बड़ी रकम मानी जाती थी.
इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग के सिर्फ आँख ही दिखाई देते हैं, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए आगे के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। तीनों लिंग के 3 देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। अभी मैं आया हूँ मंदिर के बैक साइड पे, हम लोग का दर्शन हो चुका है। 2 घंटा लगा हम लोग को दर्शन के लिए, और दर्शन होने के बाद हम लोग 1 आवर 20 मिनट तक हम लोग मंदिर के अंदर ही थे, और मैं एक साइड में बैठ के ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था, आज शिव भगवान के यहाँ पे आके इतना घंटा स्पेंड किया, मन प्रसन्न हो गया मेरा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात तो ये है, इसकी 3 मुख है यानी सर है। एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और अपने देवों के देव महादेव भगवान महेश उनका। एग्जैक्ट मंदिर के पीछे है, यहाँ पे 2 पिंड है, और ये पिंड के ऊपर आप स्टोन देख नहीं सकते, जो कि अंदर से अंदर जो मूर्ति है सेम टू सेम यहाँ पे रेप्लिका है। आप यहाँ पे भी आके दर्शन ले सकते हो। आप देख सकते हैं अंदर छोटे छोटे 3 लिंग है, जो कि एक है ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव भगवान का। और मंदिर के अंदर जो शिव भगवान का पिंड है उसके साइड में और एक छोटा सा होल है, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली बाहर आता है, जो कि एक चमत्कार है भगवान का। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के नज़दीक ही हम लोग को 2-3 स्पॉट्स कवर करने गए थे। वहाँ पे टेम्पल के नज़दीक ही एक कुंड है, वहाँ पे हम लोग को जाने का था, पर टाइम की कमी के वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। और टेम्पल के नज़दीक ही 2-3 किलोमीटर्स ट्रेक करके गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, वो भी हम लोग को कवर करने का था, पर हम लोग वो भी नहीं कर पाए। हम लोग मंदिर से 8 बजे निकले घर के लिए, और एग्जैक्ट 12 बजे हम लोग घर पहुँचे, इसलिए हम लोग को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से। सो दिस वॉज द शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। हर हर महादेव।